राम राम जी। हाथ जोड़ के मेरी सभी छोटे बड़ों को सभी को जय श्री राम जय बाबा की। और मैं आज एक सेठ और सेठाणी की कथा सुनाती हूँ कि उनके घर में पैसा इतना क्यों रहता है और जो सेठ लोग होते हैं उनका परिवार इतना बड़ा क्यों होता है। वे कभी मतलब ये नहीं होते कि अलग अलग होते हैं, उनकी चार चार रूमें भी इकट्ठी रहती हैं, तो उनका क्या कारण है ये सुनिए। और हमारे घर में लक्ष्मी कैसे आई ये भी आप सुनिए, बहुत बहुत जरूरी बातें हैं ये। तो इन पर हम कम अमल करते हैं, हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो एक बार एक सेठ होता है, सेठ होता तो अपने बेटे को अपने साथ ही लेके जाता है, बड़े वाले बच्चे बेटे को अपने साथ ले जाए दुकान पे, उसे धीरे धीरे अपना दुकान का सारा कारोबार वो संभाल देता है और उसका समझ में आ जाता है। तो जब न्यू हो गया कि ये शादी के लायक हो गया तो सेठ ने उसकी शादी कर दी। शादी कर दी तो धीरे धीरे उसके सारे बेटे भी ऐसे जवान हो गए, उसने चारों बेटों की शादी कर दी। सेठ ने चारों बेटों की शादी कर दी। तो वो बोला, सेठ बोला, देखो अब तक तो मतलब हमारी बहू एक थी, अब तो चार चार होगी। तो वह सेठानी थी ना, वो बहुत ही चरचरे स्वभाव की थी हमारी तरह, और उन जो सेठ थे वह बहुत ही समझदार थे और बहुत सहनशीलता रखते थे, समझदारी से काम लेते थे। और हम औरतें इतना सहन नहीं कर पाती हैं, बस उछड़ जाती हैं कि इन्होंने हमको ऐसा क्यों बोला, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो वो बोला कि भना आप ऐसे करो, चारों बेटे बराबर के हो गए और आप ज़्यादा गुस्से में रहती हो, ऐसे मत रहा करो। और अगर आप ना बुढ़ापे में सेवा करानी है तो ये कारोबार सारा अपनी बहुओं को, बड़े वाली बहू को सौंप दो। तो वह बोली ठीक है, वरना हुआ मानी नहीं, माने नहीं तो सेठ चला जा दुकान पर। श्याम ना आया दुकान से तो अपने चारों बेटों को और बहुओं को बुला के कहने लगा। वो आके बेटा, बड़ी बहू को कह रहा, बेटा आज से ये घर तेरा है, आप इसको संभाल के रखोगे तो भर जाएगा, अगर आप इसको नहीं ध्यान दोगे इस बात पर और वो करोगे तो भाई कुछ नहीं रहेगा घर में, ये तुम ही संभालो, आज के बाद हमारा ये कारोबार तुम देखोगे। तो वह बोली ठीक है पिताजी, मैं देखूंगी। और तो वह बहू क्या करती, चाहे तीनों अपनी बहनों को छोटियों को समझा के और अपना बढ़िया तरिया रहती वह। तो एक दिन उनका मीठी वो खिचड़ी खाने का मन कर जाता है, खिचड़ी खाने का मन कर जाता है, तो उन्होंने अपनी खिचड़ी बना ली। उनमें ऐसे होता था जैसे एक बहू ने खिचड़ी को रख दिया तो दूसरी ने उसको रोड़ दिया, तीसरी ने उसको फिर आके पानी डाल दिया, अगर टाइट है तो फिर रोड़ दिया। ऐसे नहीं होता था कि एक ना रख दी तो यही करेगी ना, वह सब मिलजुल के काम करती थी। एक खाना बना रही है, एक सब्जी बना रही है, एक बर्तन साफ कर रही है, एक झाड़ू पोछा कर रही है। तो वैसे ही उनके घर में कभी भी लड़ाई नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि बाणिया ने बहुत अच्छे संस्कार दे रखे थे। तो एक दिन बाणिया ने देखी लक्ष्मी माँ, वह बोली देखो मैं आपके घर में बहुत दिनों तक वास कर लिया और अब मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि बहू चेंज हो गई थी, पहले सास के उसमें था, फिर जैसे उसने बहू को दिया तो लक्ष्मी माँ भी थोड़े दिन के लिए जाना चाहती थी। तो वो कह रहा ठीक है आप चले जाना, लेकिन मेरी भी एक शर्त पूरी करना। आके कहो सेठ जी, आके मेरे घर में कभी भी मतलब लड़ाई झगड़ा मत करवाना, ये मेरे को वरदान दे के जा। लक्ष्मी माँ समझ गई, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं करवाऊंगी तो मैं जाऊंगी कैसे, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ माँ रहती नहीं है लक्ष्मी माँ, और जहाँ पे एकता रहती है, प्यार प्रेम रहता है, बड़े 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 बूढ़ों की जो इज्जत करता है, और जो बड़े बूढ़े भी अपनी बहुओं की इज्जत करते हैं, उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। तो बोला ठीक है, उसने देना पड़ा लक्ष्मी माँ ने ये। तो बोली ठीक है, वह तो लक्ष्मी माँ तो जा नहीं सकी, वहीं रही। तो एक दिन बड़ी बहू ने खिचड़ी बनाई, बोला वो बोला बेटा आज रात का खाना आपने ही बनाना है और आपकी सास कुछ नहीं बताएगी। ठीक है पिताजी मैं ही बनाऊंगी। तो उसने खाना बना दिया, खिचड़ी बना दी, उसमें खाने में सब और सब्जी रोटी बना दी। तो उसमें नमक खिचड़ी में भी ज़्यादा हो गया, सब्जी में भी ज़्यादा हो गया। अब खिचड़ी खाने वाले खिचड़ी खाएंगे, सब्जी रोटी खाने वाले वे खाएंगे, लेकिन नमक दोनों में ज़्यादा, इसका क्या कारण होया? जैसे खिचड़ी बनानी, बड़ी बहू ने रख दी, छोटी बहू आई तो उन्हें सोची कदे नमक ना डाला होगा ये भैया, उबड़नी शुरू हुई है, उसने नमक डाल दिया उसमें।
और रोड दी, वह अपना काम लगी। फिर वह तीसरे नंबर वाले आए, उसने सोची नमक ना डाला होगा, और उसने नमक डाल दिया और उसको रोड के वह भी चली गई। फिर वह चौथे नंबर वाली आई, उसने भी सोचा ले उबड़ गई, ला मैं इन्हें रोड दी, ये सब काम में लग रही हैं, उन्हें भी खिचड़ी में नमक डाला और अपना रोड दी। रोड दी तो खिचड़ी बन के तैयार होगी, तैयार होगी तो सबसे पहले उनके जो सेठ लोग होते हैं ना, बढ़िया होते हैं, वे कभी भी ऐसे नहीं करते। हम तो ऐसे कर लेते हैं, कौन जिस जो भी परिवार में आया उसको भूख लग गई उसको खाना दे दिया, लेकिन सेठ लोगों में ऐसा नहीं होता है। वे सभी मिल करके, सभी जो अपने कारोबार बाहर से आ जाते हैं तो मिलकर ही खाना खाते हैं, एक साथ सबको खाना दिया जाता है। सबसे पहले बड़े बूढ़ों को खाना दिया जाता है। तो सेठ जी को खाना देने लगे, वह बहू ने दे दिया सेठ जी को खाना, सेठ जी को खाना दिया तो उसमें नमक तो बहुत ज़्यादा था, तो उसने एक ही कोर तोड़ के ऐसे खाया तो एकदम बहुत ही ज़्यादा नमक था, क्योंकि चार चार बहुओं ने डाल रखा था उसमें। हम तो एक डाल देते हैं तब भी ज़्यादा हो जाता तो कोई खाएगा नहीं। तो सेठ जी ने सोची भाई लड़ाई करूँगा तो लक्ष्मी जाएगी, अब तो कुछ न कुछ करके खाना ही पड़ेगा उसको ना। भाते हुए भी देखो जब ज़्यादा नमक है तो कैसे खाएंगे, फिर भी सेठ उसको खा गया, इतनी शांति से खा गया कि उसको किसी को भी ये असर नहीं हुआ कि इसमें खाने में कुछ गड़बड़ है। वो खा के ना और अपना आराम से बाहर चला गया। फिर आई दूसरे बेटे की बारी, उसने भी खा लिया, तीसरे की भी आई, वो उन्होंने खा लिया। भाई जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो कहना मने भी नहीं, वो भी उसको आराम से खा गया, प्यार से, नमक में जहर था बिल्कुल नमक में, फिर भी खा गया चला गया। ऐसे तीसरे भाई ने किया, चौथे ने किया, ऐसे चले गए समझ के, जब बड़ों ने नहीं कहा तो हम क्या कहें। फिर आई बारी सास की, सास ने दिया मुँह में, वो बहुत ही कड़वा जहर होया। एक बार तो वह रुकी, फिर उसको याद आ गई, क्योंकि सेठ ने समझा रखा था कि मेरे को लक्ष्मी आई थी, ऐसे ऐसे कह रही थी सपने में, तो आपने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। तो उसको वह बात याद आ गई, उसने भी कुछ नहीं कहा, वह भी खा गया आराम से। फिर आ गई बड़ी बहू की बारी, वह खाने लगी खाना, तो वह भी ऐसे खा गई। जब ससुरे ने खा लिया और सारे ने, देवरा ने खा लिया, उसके पति ने खा लिया, सास ने खा लिया, तो मैं क्या ऑब्जेक्शन करूँगी। उसने भी अपना आराम से प्रेम से खा लिया और अपनी सारी छोटी भाणा ने दे दिया तो अपना खा लिया सब ने। लक्ष्मी माँ ने सोची, वो आ रहा था तो लक्ष्मी माँ यूँ सोच रही थी ना मैं जाऊँगी, तो टोटा तैयार खड़ा था दरवाजे पे, वो टोटा उनके घर में वास करे तब करे ना तब लड़ाई हो। तो टोटा खड़ा खड़ा देखे गया कि भाई कड़े कड़े इस तो होया नहीं, नमक भी उसी के कारण ज़्यादा गिरवा था, वही गिरवा रहा था बाहर खड़ा खड़ा दरवाजे का गए, और लड़ाई नहीं मची, क्या करूं कैसे प्रवेश करूं इनके घर में। तो जाके लक्ष्मी माँ के पास गया तो लक्ष्मी माँ हंसने लगी, क्या हो गया, आखिरी हो क्या गया, ये तो मेरा तो नंबर आने नहीं देवे, ये तो लड़ाई नहीं करते, मैंने इतना गलत काम करवा दिया इनको खाने में, जैसे नमक डल जाता ना तो आप भी ज़्यादा समझ लिया करो, लड़ाई मत किया करो कि टोटा आने वाला है और वही ये काम करवा रहा, तो उसको आराम से खाया करो, और जिससे जो गलती हो जाना उसको आराम से एकांत में समझाओ। कभी भी अपनी बहू बेटियों का किसी के सामने अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गुस्सा आता है। जब जैसे बहू है उसके, हमारी बहू है मान ले, और वो अच्छे से नहीं रह रही है, तो हम उनके घर वालों को शिकायत करते हैं, हमें ये ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। अपनी बहू को अपने उस हिसाब से समझा के रखना चाहिए, क्योंकि जब हम उनके घर वालों तक बात पहुँचाते हैं तो वह बहुत गुस्से में आ जाती है, तो इसलिए उसको आराम से ही समझाना चाहिए। जो घर वाले आवे तो उनको कहे नहीं भाई बिल्कुल ठीक रह रही है, ये हर सास का है काम, हर सास के लिए कह रही हूँ मैं, सभी ने ऐसे करना अपनी बहू बेटियों के साथ, और फिर कभी लड़ाई हो जाए तो आप मेरे को बताना। तो वह उन बता रखी थी, वह चली वह अपना रह गए। तो टोटा बोला, लक्ष्मी बोली, माँ मैं इतने सालों से इनके पास रह रही हूँ, मैंने कभी इनके घर में लड़ाई देखी है नहीं, ये वो आप मेरे पर दबाव डाल रहे थे कि मैं आना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने सेठ को बोला था कि आ जाओ, तो ये तो कभी लड़ाई झगड़ा करते नहीं, जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है वहाँ अपने आप ही सोच लिया करो, इस घर में बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है और बहुत प्यार प्रेम है, और ये जिस घर में लड़ाई होती है कितना भी चाहे उनके
भरे हों घर के भंडार धन के सारे खाली हो जाते हैं किससे, एक लड़ाई के कारण। तो इसलिए हमें इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार प्रेम से रहना चाहिए। और कभी भी किसी भी बेटे ने अपनी पत्नी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इसका पति हूँ तो भगवान हूँ। देखो वो भी भगवान आपको जब मानेगी, जब आप उसकी इज्जत करोगे, किसी के सामने कभी मत डांटना और ना शिकायत का मौका देना। कभी नमक ज़्यादा पड़ जाए, कभी सब्जी कच्ची रह जाए, कोई भी गलती हो जाए तो उसे प्रेम से ये बोला। तो देखो हर पत्नी ये पूछती है, वो अपने मन ला के सब्जी बनाती है, रोटी बनाती है, खाना हर खाना आराम उससे बनाती है कि मेरा परिवार बहुत अच्छे से खाए और ये खुश रहे। तब आप पूछती है ना कि खाना कैसा बना, तो आपने उत्तर देना है कि बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी, ऐसा खाना तो कभी खाया ही नहीं। अगले दिन वो और भी अच्छा बनाती है और वो अपने परिवार, वो एक उसको बांध के मत रखा करो, उसको खुली आज़ादी दो। देखो वो खुद ही नहीं जाएगी, किसको जाने में बाहर जाने में तो किसी को नहीं लगता ना, वह किसी से बात करेगी, बस अपने परिवार में इतना गुण मिल लो कि वह अपने परिवार से बाहर जाए ना। और जय श्री राम, जय बाबा।